तो गैस इस वीडियो में बात करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो इंडोवेंस गैस कंपनी में ऑफिशियल वेबसाइट ये गैस एमएनसी कंपनी रहने वाली है। आपको यहाँ दिखा दूँ करंट ऑफरिंग्स मैंने इनकी निकाली हुई है, ये गैस ऑफिशियल वेबसाइट है और गैस आपको इस चैनल पे ऑफिशियल वेबसाइट से और गैस लेटेस्ट जॉब से मिलेंगी। अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर देना, आप भी अप्लाई कर लेना और यहाँ पे आप देखोगे सब्सक्राइब भी कर लेना। यहाँ पे आप देखोगे फुल टाइम ये जॉब रहने वाली है, सारी सारी 15 जॉब्स रहने वाली है, 15 जॉब्स है जिसके अंदर गैस वैकेंसीज अलग अलग है। तो गैस यहाँ पे नंबर वेरीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो काफी जॉब्स हैं, ये सारी मोस्ट ऑफ द जॉब्स इसमें गैस फ्रेशर्स हैं। अभी आप देख सकते हो सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग और यहाँ पे ये भी और यहाँ पे भी देख सकते हो ये गैस ज्यादातर जॉब्स फ्रेशर रहने वाले, मैकेनिकल वालों के लिए भी है तो आईटी वालों के लिए भी है यहाँ पे, वो भी चेक करना, सेल में भी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ सारी जॉब्स मैंने ओपन करी हुई है, आपको वन बाई वन सारी जॉब आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि पहली जॉब रहने वाली है सिविल ट्रेनिंग और गैस ऊपर आप कंपनी का नेम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कंपनी का नेम लिखा हुआ है सिविल ट्रेनिंग डिजाइन इंजीनियर की जॉब है। आप यहाँ पे देखो एक अभी जॉब आई हुई है, ये अभी फ्रेशर है, अप्लाई कर लेना, लेटेस्ट ही है ये, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। पुणे सिटी यहाँ पे लोकेशन रहने वाले, आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो आप। तो इसके बाद हम बात कर ले नीचे जो लिखा है, आप यहाँ पे देखोगे अबाउट अस कंपनी के बारे में आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा और इसके बाद आप देखोगे कंपनी के बारे में दिया हुआ है, फिर ये जॉब डिस्क्रिप्शन आ जाएंगे नीचे। यहाँ पे देखो ऑटो कैड सिविल 3D डिजाइन डिटेलिंग ड्राफ्टिंग आपको आनी चाहिए, मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल रेवलेंट बिल्डिंग कोड्स, कोड्स के आपके नॉलेज होनी चाहिए और ये गैस रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे देखो बीटेक सिविल इंजीनियर वाले एलिजिबल है, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे आप देखो स्किल्स वगैरह लिखी हैं, बेनिफिट क्या क्या देंगे आपको, सारे बेनिफिट मिलेंगे गैस आपको। आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करके अप्लाई कर लेना, ये ओपन है गैस। इसमें देखोगे नंबर ऑफ वैकेंसीज है, 10 वैकेंसीज है इस अकेली जॉब में जो कि रहने वाली है आपको सिविल ट्रेनिंग डिजाइन इंजीनियर की। ये फ्रेशर है, जितने मेरे दोस्त रहने वाले सिविल वाले उनको वीडियो शेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। यहाँ पे आप देखोगे सब कुछ लिखा हुआ है, सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है, आप इसमें एलिजिबल रहने वाले 10 वैकेंसीज है। नेक्स्ट आपको जॉब दिखा देता हूँ इसके साथ में है, नेक्स्ट है गैस ट्रेनिंग डिजाइन इंजीनियर पोल ड्राइव। तो इसमें देखोगे 10 वैकेंसी इसमें भी रहने वाली है, इसमें भी बीटेक सिविल वाले एलिजिबल रहने वाले हैं, इसमें भी गैस सेम ही लिखा है एज इट इज, इसको भी आप अप्लाई कर लेना। जो इसकी डेट जो रहने वाली है ये देखोगे कभी जॉब आई, यहाँ पे डेट लिखी है और यहाँ पे लोकेशन लिखी है। नेक्स्ट आपको जॉब दिखा दूँ, नेक्स्ट है ट्रेनिंग एमई पी इंजीनियर की, ये भी डेट देख सो गाइस कब आई हुई है, 5 वैकेंसीज है। आर्किटेक्ट के यहाँ पे डिपार्टमेंट रहने वाला है, बीटेक मैकेनिकल और सिविल दोनों ही एलिजिबल है, मैकेनिकल सिविल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट 0 to 6 month लिखा है, अप्लाई कर लेना। मैकेनिकल वाले और सिविल वाले दोनों एलिजिबल रहने वाले हैं, आप उसको वीडियो शेयर कर देना गैस। इसके बाद हम बात कर लें नेक्स्ट, यहाँ पे आपको बता दूँ आपको गैस ऑटो कैड मस्ट है, ऑटो कैड आपको आना ही चाहिए क्योंकि ज्यादातर शो में ऑटो कैड मांगा ही है इन्होंने, ऑटो कैड आपको आना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं गैस फैब्रिकेशन ट्रेनिंग डिजाइन इंजीनियर की रहने वाली है, इसमें 4 वैकेंसीज है, यहाँ पे मैकेनिकल वाले ही एलिजिबल रहने वाले हैं। यहाँ पे 2D 3D कैड ऑटो कैड क्रॉल ड्रॉ इंसुलेटर वगैरह आपको आना चाहिए, इसमें आप चेक कर लो मैकेनिकल वाले एलिजिबल है और ये गैस जॉब रहने वाली। इसके बाद है बी मॉडलर की, एक वैकेंसी है, इसमें सिविल वाले एलिजिबल है और आर्किटेक्ट वाले भी एलिजिबल रहने वाले हैं, वो भी यहाँ पे चेक कर लो। फिर गैस जो जॉब रहने वाली है रिबिट मॉडलर की रहने वाली है, इसमें गैस बीटेक सिविल और 1 साल मिनिमम एक्सपीरियंस, एक ही वैकेंसी इसमें रहने वाली है। इसके बाद गैस आप देखोगे 10 वैकेंसीज है, मैकेनिकल वाले एलिजिबल है, फ्रेशर अप्लाई कर सकता है। इसमें डिटेल देखोगे तो कैड आना चाहिए, ऑटो कैड वगैरह चीजें आनी चाहिए, ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी है, ये अप्लाई करने से पहले पढ़ लेना, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, अप्लाई यहाँ से कर लेना। इसके बाद देखोगे सिविल के लिए जॉब रहने वाली एक वैकेंसी है, सिविल वाले एलिजिबल है, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस है। फिर एमईपी इंजीनियर के रहने वाली एक वैकेंसी, 1 साल मिनिमम एक्सपीरियंस, सिविल वाले एलिजिबल रहने वाले हैं, मैकेनिकल वाले भी एलिजिबल रहने वाले हैं। फिर गैस डिजाइनर इंजीनियर के रहने वाले सिविल 3D में एक वैकेंसी है, सिविल फ्रेशर अप्लाई कर सकता है, पुणे सिटी लोकेशन रहने वाली है। ट्रेनिंग आर्किटेक्ट की जॉब रहने वाली 10 वैकेंसीज है, आर्किटेक्ट वाले एलिजिबल रहने वाले, बी आर क्रीनो करी है। ट्रेनिंग ग्राफिक डिजाइनर की जॉब रहने वाली गैस, यहाँ पे आप देखो एनी ग्रेजुएट, 5 वैकेंसीज है, जितने मेरे दोस्त है जल्दी से अप्लाई कर लो, 5 वैकेंसीज है इसमें, पुणे सिटी है और सबसे अच्छी बात है इसमें कोई भी ग्रेजुएट हो, कोई भी ग्रेजुएट ग्राफिक डिजाइन की जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। आपको गैस क्या क्या आना चाहिए यहाँ पे आप देख लो, सिंपल चीजें हैं, आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए, अप्लाई कर लेना। जितने मेरे दोस्तों ने वीडियो शेयर करना, ट्रेनिंग ग्राफिक डिजाइनर की जॉब है, एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे पॉइंट क्वालिफिकेशन में लिखा है बीए डिप्लोमा डिग्री इन एनिमेशन फाइन आर्ट वगैरह लिखा है, आप यहाँ पे देखोगे एनी ग्रेजुएट भी लिखा है, आप अप्लाई कर लो। जितने मेरे दोस्तों को वीडियो भी शेयर कर दो, सारे एलिजिबल है यहाँ पे। फिर मैनेजर की जॉब रहने वाली है, इसमें ज्यादा एक्सपीरियंस मांगा है। फिर यहाँ पे सेल एसोसिएट की जॉब रहने वाली है, 4 वैकेंसी है, 1 साल मिनिमम एक्सपीरियंस, एमबीए मांगी है इसमें। फिर गए यहाँ पे आईटी सिस्टम आर्किटेक्ट की जॉब रहने वाली है, इसमें 5 साल मिनिमम एक्सपीरियंस है, कंप्यूटर साइंस और आईटी वाले एलिजिबल रहने वाले हैं। तो ये जॉब्स रहने वाली है, आपको मैंने सारी जॉब यहाँ पे दिखा दी जितनी भी गए इसमें जॉब्स थी, दोस्तों को वीडियो शेयर कर देना, आप भी अप्लाई कर लेना। थैंक यू।